भीलवाड़ा में आज सुबह स्कूल बस में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि बस में 11 बच्चे और 8 टीचर सवार थे। ड्राइवर और आसपास के लोगों ने सभी को बस से उतारा। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को वन वे किया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आपको बता दें कि करोई पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह मुजरास टोल के पास एक स्कूल की बस में अचानक से आग लग गई। बस सोमिला इंटरनेशनल स्कूल की बताई जा रही है। सुबह के समय बस में अलग अलग जगहों से बच्चों को लेकर गंगापुर जा रही थी। जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान बस में 11 बच्चे और 8 टीचर सवार थे, जिन्हें चालक व टोल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वहीं कुछ देर बाद पूरी बस आग की चपेट में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हाईवे को वन वे करवा दिया, जिसके बाद लंबा जाम सा लग गया था। दमकल व लोगों की मदद से बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं पुलिस ने बताया कि अगर चालक व टोल कर्मी तत्पर नहीं दिखाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पुलिस ने बताया कि बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट की जानकारी भी ली जाएगी। साथ ही बस में ऐसे आग लगने के पीछे लापरवाही कितनी थी, इसके बारे में भी जाँच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।